ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं आप सबका दोस्त गणेश अवार्ड आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल ओम टेक की दुनिया में हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखिए और लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कीजिए ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। मित्रों, पवित्र श्रावण का महीना चल रहा है तो सोचा कि आपको अंबरनाथ में स्थित हजारों वर्ष पुराने अम्बरेश्वर शिव मंदिर का दर्शन कराया जाए। मित्रों, एक मान्यता के अनुसार इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने किया था, तो आइए मित्रों हम अंबरनाथ चलकर इस पवित्र स्थल का दर्शन करते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई के पास अंबरनाथ शहर में अंबरनाथ शिव मंदिर स्थित है। इसे अम्बरेश्वर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और इस शिव मंदिर के वजह से इस शहर का नाम अंबरनाथ पड़ा। मुंबई डिवीजन के मध्य रेलवे के उल्हासनगर या अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरकर ऑटो रिक्शा से या फिर पैदल चलकर इस मंदिर तक पहुंच सकते हैं। अभी फिलहाल कोरोना और लॉकडाउन के वजह से मुंबई के लोकल ट्रेनों में और मंदिर परिसर में भीड़ भाड़ कम ही है। मंदिर भी फिलहाल दर्शन के लिए बंद है, इसलिए हम बाहर से ही भगवान शिव के दर्शन करेंगे। उल्हासनगर या अंबरनाथ दोनों रेलवे स्टेशन से यह मंदिर 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही पर उल्हासनगर और अंबरनाथ दोनों शहरों का प्रवेश द्वार है। उल्हासनगर कैंप 5 स्थित कैलाश कॉलोनी और अंबरनाथ शहर की सरहद पर यह मंदिर है। रिक्शा से मात्र 30 रुपए में हम स्टेशन से मंदिर तक जा सकते हैं, पर भाइयों मैं तो उल्हासनगर में ही रहता हूँ, इसलिए मैं जाऊँगा अपनी फटफटी यानी बाइक से। अभी हम सफर करते हुए उल्हासनगर और अंबरनाथ दोनों शहरों के सरहद या कहें तो प्रवेश द्वार तक आ गए हैं। यही पर अम्बरेश्वर शिव मंदिर का भव्य प्रवेश द्वार है। मंदिर के निकट से ही वालधुनी नदी निश्चल बहती हुई जा रही है। मंदिर के प्रवेश द्वार के पास कई सारे पूजा के सामग्री के दुकान है। मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में राजा शिलाहार ने करवाया था। इस मंदिर को महाभारत कालीन मंदिर भी बताया जाता है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इस मंदिर जैसा पूरे विश्व में कोई मंदिर नहीं है। अंबरनाथ शिव मंदिर के पास कई ऐसे नैसर्गिक चमत्कार हैं, जिससे इसकी मान्यता बढ़ती जाती है। इस संसार में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उन 12 ज्योतिर्लिंग समान ही इस मंदिर की भी मान्यता है। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में खास बातें। अंबरनाथ शिव मंदिर पाषाण स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। 11वीं शताब्दी में बने इस मंदिर के बाहर 2 नंदी बैल बने हुए हैं। मंदिर के प्रवेश के लिए 3 प्रवेश द्वार हैं। मंदिर के अंदर सभा मंडप है और फिर सभा मंडप के बाद 9 सीढ़ियों के नीचे गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर की मुख्य शिवलिंग त्रैमस्ती की है और इनके घुटने पर एक नारी है जो शिव पार्वती के रूप को दर्शाती है। शीर्ष भाग पर शिव नृत्य मुद्रा में दिखाई देते हैं। मंदिर के गर्भगृह के पास पानी का कुंड भी है और इस कुंड में तरह तरह के कछुए और मछलियां हैं। मंदिर के पास ही एक गुफा भी है जो बताया जाता है कि उसका रास्ता पंचवटी तक जाता है। यूनेस्को ने अंबरनाथ शिव मंदिर सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। वालधुनी नदी के तट पर स्थित यह मंदिर कई प्रकार के पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। वालधुनी नदी सह्याद्री पर्वतों के शिखर श्रृंखला से निकलती हुई अंबरनाथ, उल्हासनगर, कल्याण शहरों से बहती हुई अरबी समुद्र को जा मिलती है। मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है। मंदिर की वास्तुकला देखने के लिए देश विदेश से कई पर्यटक आते हैं। मंदिर की बाहर की दीवारों पर भगवान शिव के अनेक रूप बने हुए हैं। इसके साथ ही गणपति, कार्तिक, चंडिका आदि देवी देवताओं की मूर्तियां से सजा हुआ है। साथ ही देवी दुर्गा की असुरों का नाश करते हुए भी दिखाया गया है। मंदिर के अंदर और बाहर कम से कम ब्रह्मदेव की 8 मूर्तियां बनी हुई हैं। साथ ही इस जगह के आसपास कई जगह प्राचीन काल की ब्रह्मदेव की मूर्तियां हैं। शिवरात्रि के अवसर पर यहां मेले का आयोजन किया जाता है। यह मेला 2 से 3 दिनों तक लगाया जाता है, तब यहां काफी भीड़ देखने मिलती है। संपूर्ण भारतवर्ष से और देश विदेश से पर्यटक शिवरात्रि का मेला देखने और भगवान शिव का दर्शन करने यहां आते हैं। बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव कुछ वर्ष अंबरनाथ में बिताए थे, तब उन्होंने विशाल पत्थरों से एक ही रात में इस मंदिर का निर्माण किया था। फिर कौरवों द्वारा लगातार पीछे किए जाने के भय से यह स्थान छोड़कर चले गए,
जिससे मंदिर का कार्य पूरा नहीं हो सका। सालों से मौसम की मार झेल रहा यह मंदिर आज भी अपने अस्तित्व को बचाए खड़ा है। प्रिय मित्रों, इस तरह से हमने आज पवित्र श्रावण महीने में अम्बरनाथ शहर के अम्बरेश्वर शिव मंदिर के दर्शन किए हैं और इस वीडियो को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए। धन्यवाद।